खबर पलामू से है, जहां पर पांकी विधानसभा विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता नामांकन से पहले हुंकार के उपरांत नामांकन किया। नामांकन रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रवासियों का जनसैलाब देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, मौर्या फार्म हाउस पहुंचकर भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता चांदनी चौक लेस्लीगंज के प्रांगण में सभा को संबोधित किया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस तरह लोगों को हम पर विश्वास है, मैं उन सभी चीजों पर खरा उतरा हूँ और आगे भी उतरूंगा। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे काम क्षेत्र में बचे हुए हैं जिसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार निश्चित ही हमारी सरकार बनेगी, जैसे ही हमारी सरकार बनती है क्षेत्र में विकास की बयार होगी। हम लोगों ने इस लूट संस्कृति को बंद कर दिया और कोई अब हमारे आने के बाद ना तो एक भी अपहरण हुआ है पाके विधानसभा में और ना ही एक हत्या हुआ है और ना ही पहले होता था क्या, कोई कार्यक्रम कराना है तो ये आंगनबाड़ी दीदी लोग को साल में दो बार चंदा देना पड़ता था 1,000 रुपया। अब ये इस तरीके के व्यवहार को हमने बदल दिया। कोई आंगनबाड़ी दीदी को जो 1500 आंगनबाड़ी दीदी है, 1,000 देने का मतलब 1,500,000 रुपया दो बार देना पड़ता था, 30,00,000। ये संस्कृति आंगनबाड़ी वाली दीदी को भी पूछ लीजिए, कोई नहीं लेता है। डीलर लोग से साल में कहिए कि 3,1200 बेचवा दिया जाता था और 3 महीने का राशन नहीं मिलता था। अब ऐसे डीलर से उगाही ऐसे विधायक अब नहीं करते हैं, और पहले विधायक का मतलब होता था उस उगाही करके ऐसा अपना पॉकेट भरना, और इसलिए त्राही त्राही जनता कर रही थी। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी और ये दीदी लोग के साथ साथ जो जितने भी ये लोग जाते थे विधानसभा में, जाकर आराम से सोते थे। और यहाँ इस तक 15 सालों में मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग पूछना चाहिए कि 15 साल में 15 प्रश्न विधानसभा में नहीं किया लोग, और हमने आपको एक बुक में छपाया हूँ, आप तक पहुँचाएंगे कि 15 साल में नहीं जितना क्वेश्चन हुआ उससे कहिए कि 100 गुना ज्यादा, करीब 250 क्वेश्चन प्रश्न हमने विधानसभा में इस समय इस विधानसभा के समस्या को लेकर पूछने का काम किया है और समाधान कराने का काम क्या हुआ, चाहे वह जनसहिया का काम हो, जनसहिया के उद्यमान हो, या स्वास्थ्य का हो, या फिर आप कहें कि आंगनबाड़ी दीदी लोग का हो, या किसानों का हो, या फिर कहिए कि आप ये पुल बन रहा है, आप यहाँ पर है आपका ढूंढ छतरपुर में 19 में बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन पैसा पूरा निकल गया और वहाँ ऐसे कहिए कि पुल 7 साल में पूरा नहीं हुआ, पैसा आखिर कहाँ गया कहाँ। तो ये जनता के हक को जो ये कांग्रेसी लोग ऐसा निकलने का काम किए थे, निश्चित रूप से पाकी विधानसभा जिस प्रकार से कांग्रेसियों के चंगुल से निकला है, आने वाले समय में भी पाके विधानसभा अब कांग्रेसियों के चंगुल में नहीं जाने वाला है। और ये यहाँ की तमाम गरीब गुरबा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता माताएं बहने आगे बढ़ चुकी हैं, पीछे हटने वाली नहीं है। हम तमाम हम ये आने वाले समय में हमने कहा था कि तमाम जो स्वयं सहायता की दीदियां हैं, अभी हमने विधायक फंड से 1-1 सिलाई मशीन 6,000 समूह के दीदी को देने का काम किया है, दिया है ना। आने वाले समय में 1-1 दीदी लोग के पास सिलाई मशीन अपना होगा, यह ऐसा हमने पहले भी कहा था और अभी भी कहना चाहूंगा। इसलिए आप तमाम लोगों के भरोसे हम पार्टी विधानसभा का इतिहास बनाने चले हैं और मान सम्मान देने चले हैं। यहाँ के तमाम लोग जो खड़े हैं, जो नहीं भी आए हैं, जो सुन रहे हैं अपने मोबाइल पर ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से पार्टी ने विश्वास दिलाया है आपके भरोसे, आप पाकी विधानसभा में कमल का फूल इस प्रकार से खिलाते रहना है। ये पाकी विधानसभा ये सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। एक सरकार बनाने के लिए कई फूलों का माला के जरूरी होता है, एक माला में कई फूल, उसमें पाकी विधानसभा का भी एक फूल होगा, ये गुलाब का फूल होगा, ये हाथ उठाकर आप सहयोग से आपस बात देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि काफी समय हमें हो गया, पहुंचना है डाल्टनगंज, अपना ये नॉमिनेशन करना है, इसलिए हम अपनी बात
अपने मुख्य अतिथि को अपना समय देते हुए अपनी बात हम चाहेंगे कि आप इसी प्रकार से जमे रहे। अभी बहुत लोग आ रहे हैं, जितने लोग आए हैं उसे दुगना अभी रास्ते में है। और धूप के कारण, क्योंकि कल ही एक दिन में हमें 11 बजे के बाद व्यवस्था करना था मंच और टेंट, ये कहीं के टेंट पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर पाया, इसलिए हमें अफसोस है कि ये अपने भाइयों को किसी को बहनों को धूप में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय के लिए आप इंतजार करें और एक एक वोट यहाँ से आने के बाद एक एक कार्यकर्ता आप हैं, एक एक दीदी आप कार्यकर्ता है, जाने के बाद आप कमल का फूल खिलाने के लिए आप अपना वोट दे और दिलाए। मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किए हमें सब पहले भी बताते रहे और अपने आने वाले वक्ता भी बताएंगे किस प्रकार से 80 करोड़ ऐसे घरों में फ्री राशन जाता है। आप जानते हैं जाता है ना, फ्री पैसा देना नहीं पड़ता है। हमने कई योजना शुरू की है, उसमें बहुत सारी योजना है। अभी हमारा एक गोमोदिनी योजना लागू होने वाला है, अपने सरकार बनने पर हमारी सरकार लागू करी, जिसमें सभी बहनों को 25,000 रुपया दिया जाएगा, सालाना 2100 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। ये ठगने वाले नहीं, ये हेमंत जी डॉक्टर के घोषणा किए थे चुनाव के समय में, और लास्ट में जब 2 महीना बचता है तो 1000 ठगने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है, हम मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। इसीलिए हम तमाम लोग एकदम मोदी जी के गारंटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के आन मान सम्मान बढ़ाने के लिए तमाम लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग अपने मुख्य अतिथि जी के भाषण सुने और यहाँ पर इनका सदरवा परामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।